आज यहाँ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में जो ये प्रोजेक्ट्स और ये तमाम फेयर आज़ाद टेक जो प्रोजेक्ट आप यहाँ पे जो फेस्टिवल हो रहा है उसमें शरीक होकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये खासकर सबसे अच्छी बात ये लगी कि अपनी मादरी ज़बान में साइंस जैसे ड्राई और ड्रैप सब्जेक्ट को कितने अच्छे तरीके से ये बच्चे बड़े खुल के और बड़े अच्छे तरीके से बताते हैं। और जैसा हम सब ने देखा अलग अलग लेवल से अलग अलग स्टेटस से जो बच्चों ने आठ के ये कोशिश की है बहुत काबिले तारीफ़ है। इस कोशिश में वो कितना और आगे जाएं उसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे तमाम फेस्टिवल रेगुलर तरीके से हों और उनकी हौसला अफजाई के लिए उन्हें बताने के लिए उनके साथ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हों डोमेन एक्सपर्ट्स हों वो जो उसके बारे में बोले थे बहुत अच्छा लगता है। और इससे क्या होता है कि इन बच्चों में एक तो पढ़ने की उसको प्रैक्टिकली समझने की और समझाने की जब कोशिश होती है तो उसमें ऐसे तमाम सवालों से वो जब गुजरते हैं तो उनके अंदर उनको समझाने का जो जज्बा है और बढ़ता है और उसके लिए साइंस के लिए जो उनकी दिलचस्पी और बढ़ती है लिहाजा इसमें एक बढ़ोतरी होती है। और जो साइंटिफिक टेंपर को जिसको बढ़ाने के लिए हम सब बात करते हैं उसको एक अमली जामा पहना पाते हैं। इस सिलसिले में मैं अभी मेरे उस्ताद डॉक्टर जाहिद हुसैन खान साहब मेरे साथ आए हैं उनसे मैं बात कर रहा था। उनका ये कहना था कि ऐसे प्रोसेस से ये सबसे अच्छा प्रोसेस है लर्निंग का टीचिंग का अंडरस्टैंडिंग का और प्रोपोगेशन का। सर आप और कुछ कहना चाहेंगे? सर डॉक्टर नकुल पराशर साहब ने जो कुछ अपने इम्प्रेशन दिए मैं बिल्कुल उससे एग्री करता हूँ। इस तरह के प्रोजेक्ट जो है करने से स्टूडेंट्स में एक समझने का और समझाने का जज्बा पैदा होता है। यही नहीं कि वो जब कोई मॉडल बनाते हैं तो उसको समझते हैं बल्कि लोगों को एक्सप्लेन करते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी उनको प्रेजेंटेशन का स्टाइल मालूम हो जाता है। और किसी चीज़ को समझाना आसान तरीके से ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो मैं समझता हूँ इस तरह की जो एग्जीबिशंस होते हैं वो बहुत ही फ्रूटफुल हैं बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि उर्दू ज़बान में उर्दू इतनी मीठी ज़बान है इस ज़बान में मतलब अगर इसी बात को कही जाए तो कुछ और ही अच्छा लगता है क्योंकि दूसरी ज़बानों में मतलब वो अच्छा नहीं लगता जो अपनी मादरी ज़बान में आदमी बात करता है। तो ये बहुत अच्छा लगा कि जितने भी डिफरेंट सेक्शन में लोगों ने प्रोजेक्ट किए हैं अलग अलग सब के सब मैंने देखा कि बहुत ही इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स हैं बहुत ही अच्छे हैं और बड़ी मेहनत से उनके टीचर्स ने गाइड किया अपने स्टूडेंट्स को और बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। मेरा ख्याल है कि मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी जो है जिस तरीके से चीज़ों को आगे ले जा रही है वो सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और ख़ास तौर से मतलब यहाँ के लिए तेलंगाना स्टेट के लिए तो है ही स्टूडेंट्स टीचर्स और जनरल पब्लिक के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद पूरे देश के लिए बहुत अच्छी पूरे देश के लिए बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जानिब से मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जिस प्रोजेक्ट को उर्दू में साइंस के इजाफे के लिए जो हम कोशिश कर रहे हैं उसमें ये मुझे बहुत ज़्यादा और हम सबको इसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और कोशिश ये रहेगी कि इसको हम तेज़ी से आगे ले जा सकें। आप सब लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया डॉक्टर जाहिद हुसैन खान साहब को यहाँ बुलाया हम यहाँ पहुँचे हम सब पहुँचे हम यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ऐसे लेके जाएंगे जिससे हम इस सिलसिले को आगे ले जा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।